देख सकते हैं ये जलेश्वर मिश्र पार्क में विश्राम स्थल है, जहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। और दर्शकों आप पूरे पार्क को देखिए 360 डिग्री व्यू पे। महेश यस यस, क्या बता सकते हैं कितना देर और लग सकता है घूमने में? जैसा कि अभी मैं कुछ इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इतना टाइम लगता है, मैक्सिमम अभी 2 से 3 घंटे तो लगेंगे हमें सब पूरा घूमने में। जैसा कि महेश ने बिल्कुल सही कहा, अभी कम से कम 2-3 घंटे और लगेंगे पूरा पार्क विजिट करने में। और यहाँ पे देखिए सचिन लोग भी घूम रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। सचिन क्या आप बता सकते हैं दर्शकों को कि कितना देर लगेगा टोटल पूरा पार्क घूमने में? यहाँ अभी मुझे लगता है 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है और हमारे पास टाइम कम है, तो कम से कम हम 1 घंटा और यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सचिन आपने बिल्कुल अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। और कमल क्या आप बता सकते हैं कि कितना देर और लगेगा पार्क विजिट करने में? यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे म्यूजिक हर एक कोने में दिया गया है और काफ़ी अच्छा साउंड है उसका। और यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, अभी स्विमिंग पूल जाएंगे हम नहाने इस पार्क में। सचिन ने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, और यहाँ पर आप देखिए, आप पूरे पार्क को देख सकते हैं, यहाँ पर फव्वारे लगे हुए। काश हम लोग भी गमछी उमछी लेकर आते तो यहाँ पर नहा भी सकते थे हम लोग, फ्रेशनेस हो जाता, हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते, क्या कमल? हाँ, ये सभी लोगों की यही इच्छा है कि काश सब लोग अपना अपना तौलिया लेकर आते हैं तो यहाँ पर नहा भी सकते, क्या सागर? इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बिना तौलिया के हम नहा नहीं सकते, हम कपड़े चेंज नहीं कर सकते, सागर के लिए तौलिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि दर्शकों सागर ने बिल्कुल सही जानकारी दिया कि तौलिया नहीं लाना, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि पार्क कैसा है क्या है, अब हम लोगों ने जाना तो अब देखिए पता नहीं हम लोग कब फिर से इस पार्क में आए। सिर्फ एक तौलिये की कमी के कारण हम यहाँ नहा नहीं सकते। सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। और सचिन आप कुछ सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग नए नए फिल्टर्स यूज़ करके फ़ोन का यूज़ करते हैं तो फोटो बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा फिल्टर मुझे मिले ताकि हम सबका फ़ोटो अच्छा है। वैसे तो ऑब्वियसली फ़ोटो अच्छे ही आ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने सर्च किया है तो एक ऐसा फ़िल्टर मुझे मिला, जैसे देखो वो सारे लोग पोज में हुए, अब वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए फ़िल्टर लाऊं बहुत बढ़िया था ताकि उनका फ़ोटो अच्छा है। सचिन तो जैसा कि दर्शकों को कहना चाहते हैं कि हम लोग नेचुरली बहुत अच्छे हैं, फिल्टर का यूज़ करना हम लोग की ज़रूरत नहीं है। वही मैं इसीलिए कभी यूज़ नहीं, बिना फिल्टर का ही। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग फिल्टर यूज करके फ़ोटो लगाते हैं जो काफ़ी गलत बात है, नेचुरल जो फ़ोटो आता है वो अलग है, और फिल्टर यूज करने तो चलिए दर्शकों आपको और मिलाते हैं आपको और